क्वेश्चन नंबर वन, अ फोर्स एक्ट फॉर 10 सेकेंड, एक फोर्स एक्ट कर रही है फॉर 10 सेकेंड, आफ्टर विच फोर्स सीजेस, फोर्स लगनी बंद हो जाती है आफ्टर 10 सेकेंड, एंड बॉडी डिस्क्राइब्स 50 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, तो बॉडी 50 मीटर डिस्टेंस कवर करती है इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, तो यानी कि फोर्स कब तक लग रही है, फॉर टाइम 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड के लिए फोर्स लगती है, 10 सेकेंड के लिए फोर्स लगने का मतलब बॉडी 10 सेकेंड के लिए एक्सेलरेट करती है, तो एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करती है, तो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई, 10 सेकेंड के लिए एक्सेलरेट करती है, तो लेट अस सपोज 10 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वी, उसके बाद फोर्स लगनी बंद, वेलोसिटी कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, तो इस इंटरवल में 50 मीटर तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, और मोशन में हमने डिस्कस किया था जब वेलोसिटी कांस्टेंट है यू कैन अप्लाई एस इज इक्वल टू वी टी, तो डिस्टेंस कितना है 50, वेलोसिटी वी, टाइम कितना है इसमें 5, तो वेलोसिटी आ गई 10, इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी कितनी रही होगी 10, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई और वेलोसिटी कितनी अटेन करती है 10, तो यहां पर इस इंटरवल में आपको फोर्स निकालनी है, और फोर्स क्या होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास आपको पता है, अगर मैं एक्सेलरेशन बता दूं आंसर आ जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 10 है, टाइम 10 है, तो यू कैन अप्लाई वी इक्वल टू यू प्लस एटी, तो वी की जगह 10, यू की जगह 0, टाइम की जगह 10, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ए की जगह 1 पुट करके यू कैन कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ फोर्स, कोई डाउट इसमें, क्योंकि जब हम फोर्स लगाते हैं, जब हम फोर्स लगाते हैं तो एफ इज एम इन टू ए, तो बॉडी में एक्सेलरेशन होती है, मैंने फोर्स लगानी बंद कर दी, तो क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, तो फ्रिक्शन नहीं है तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही मूव करती जाएगी, नहीं तो रुक जाती अगर फ्रिक्शन होती तो। क्वेश्चन नंबर 2 में कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स का मतलब रोकने की फोर्स, तो मैंने एक बॉडी को आगे फेंका होगा और कौन सी फोर्स लग रही है, रिटार्डिंग फोर्स, जो बॉडी को स्टॉप करने की कोशिश कर रही है, 50 न्यूटन, 20 kg मास के ऊपर है और बॉडी की इनिशियल स्पीड कितनी है 15, और हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक्स टू स्टॉप, कितनी देर में बॉडी रुकेगी, बॉडी रुकने का मतलब फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0, तो वी इज इक्वल टू 0, इनिशियल कितनी है 15, अब क्योंकि यहां पर एक्सेलरेटिंग फोर्स नहीं है तो बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, रिटार्डिंग फोर्स है, बॉडी की वेलोसिटी कम होगी, तो रिटार्डिंग फोर्स कितनी है 50, रादर माइनस 50, रिटार्डेशन का मतलब माइनस साइन, तो प्लस फोर्स, अगर फोर्स पॉजिटिव है इसका मतलब एक्सेलरेटिंग फोर्स है, वेलोसिटी बढ़ेगी, फोर्स अगर नेगेटिव है तो रिटार्डिंग फोर्स है यानी कि वेलोसिटी कम होगी, तो रिटार्डिंग फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी यहां पर, रिटार्डेशन, तो इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नहीं है, इस क्वेश्चन में रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन आ गई इसमें, आपको यू पता है, वी पता है, रिटार्डेशन पता है, यू कैन अप्लाई वी इक्वल टू यू प्लस 80, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 15 है, रिटार्डेशन है, टाइम आ गया, तो पॉइंट यहां तक भी क्लियर है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, हमने अभी तक जो क्वेश्चंस किए थे फोर्स के वो कनेक्टेड मोशन के थे, पुली ये वो उस टाइप से थे, ये अलग टाइप है जिसमें स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें मोशन की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, कनेक्टेड मोशन में मोशन नहीं था, उसमें सिर्फ न्यूटन का सेकेंड लॉ था, इसके अंदर मोशन के साथ फोर्स को कैसे इन्वॉल्व करना है ये एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ें प्लीज, तो इसमें कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास 3 केजी चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 to 3.5, तो स्पीड कितनी है 2 और कितनी होगी 3. बढ़ रही है कि कम हो रही है, बढ़ रही है, तो कौन सी फोर्स है, एक्सेलरेटिंग फोर्स है, ठीक, रिटार्डेशन नहीं होगी 25 सेकंड में, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालो, तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन, एक्सेलेशन के लिए v पता है u पता है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो क्या आ गई, एक्सेलेशन, एक्सेलेशन आ गई, तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलेशन से मास पता है तो क्या आ गई, फोर्स आ गई, अब क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग होगी, क्योंकि जब डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है तभी वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर ऑपोजिट हो जाती है तो वेलोसिटी बढ़ती नहीं है, वेलोसिटी कम होती है, क्लियर है यहां तक, इस क्वेश्चन को देखें,
फाइंड दी, यहां पर डायरेक्शन आएगा, ये क्वेश्चन है। बॉडी जिसका मास 5 kg है इज एक्टेड अपॉन टू परपेंडिकुलर फोर्सेस 8 और 6, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ये तो वेक्टर की प्रॉब्लम है, वेक्टर में क्या है, दो फोर्सेस हैं परपेंडिकुलर हैं, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो सॉल्व करके क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर क्या आएगा, 10 आएगा, फोर्स आ गई नेट। इस फोर्स को मास से डिवाइड कर देंगे तो नेट क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी। डायरेक्शन निकालने के लिए पैरेललोग्राम में ये ट्रायंगल बना लेना, कॉस थीटा क्या है, 6/10, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन कॉस थीटा 6/10.6, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.6 आंसर। तो वेक्टर की प्रॉब्लम है, फोर्स की तो प्रॉब्लम ही नहीं है। बॉडी जिसका मास कितना है, 0.25 kg है, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 12 की स्पीड के साथ मूव कर रही है, स्टॉप बाई अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 0.6, तो ये कौन सी फोर्स होगी, स्टॉप कर रही है, रिटार्डिंग, तो रिटार्डिंग फोर्स, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है तो रिटार्डिंग फोर्स ऑपोजिट है, ठीक है। बॉडी को रोक दिया जाता है, कितने टाइम में बॉडी रुकेगी, तो रिटार्डिंग फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी, रिटार्डेशन। तो V इज इक्वल टू यू प्लस AT, वी की वैल्यू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 12 है, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है, तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आ गया, तो टाइम की वैल्यू आ गई। इम्पल्स भी निकालना है इसमें, इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इसमें रिटार्डिंग है, तो इम्पल्स क्या होगा, -0.6 रिटार्डिंग फोर्स इंटू टाइम, तो इम्पल्स नेगेटिव में आएगा। इम्पल्स जब नेगेटिव होता है, इम्पल्स नेगेटिव तब होता है जब फोर्स नेगेटिव होती है, फोर्स नेगेटिव का मतलब रिटार्डिंग फोर्स है, अगर एक्सेलरेटिंग फोर्स होगी तो फोर्स पॉजिटिव है, इम्पल्स भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इम्पल्स है, नेगेटिव रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो।
हैमर वेइंग 1 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 स्ट्राइक्स द हेड ऑफ द नेल ड्राइविंग इट 10 cm इनटू द वॉल। तो नेल है, हैमर है, हैमर ने नेल को हिट किया, नेल अंदर जा रही है। हैमर ऐसे नहीं करता, मारा और नेल अपने आप अंदर जा रही है, ऐसा नहीं होता। जब तक हैमर उसके सिर पे या नेल पे, तब तक वो नेल अंदर जाएगा। तो जो स्पीड हैमर की है वही स्पीड नेल की है, नेल रुक गया हैमर भी रुक गया। क्लियर है यहाँ तक? तो दोनों में सेम स्पीड होगी। तो कह रहा है कि 10 की स्पीड है तो नेल की स्पीड भी क्या है, इनिशियल 10। नेल अंदर जाके रुक गई तो नेल की फाइनल वेलोसिटी क्या, 0। कितने डिस्टेंस पे रुकी, 10 cm का मतलब 0.1 meter पे रुकी। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द इंपैक्ट। तो v पता है, u पता है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, s भी पता है, तो यहां से पुट करके क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन, रादर एक्सेलरेशन ही आएगी, रिटार्डेशन आएगी, क्योंकि नेल की वेलोसिटी क्या हो रही है, कम। क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक? ठीक है, सेकेंड पार्ट है टाइम इंटरवल ड्यूरिंग द इंपैक्ट। टाइम इंटरवल इंपैक्ट का मतलब हैमर कितनी देर के लिए, कितना इंपैक्ट टाइम बताओ। हैमर जितनी देर के लिए नेल को हिट कर रहा है, नेल उतनी देर के लिए अंदर जा रही है, तो नेल के इनसाइड जाने का टाइम और हैमर को हिट करने का टाइम विल रिमेन सेम। तो नेल अंदर कितनी देर तक जा रही है, अप्लाई v इक्वल टू u प्लस at, v पता है, u पता है, a पता है, टाइम कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर टाइम आ गया 0.02 seconds, राइट। तो हैमर ने नेल को कितनी देर के लिए हिट किया, 0.02, नेल कितनी देर में अंदर गई, 0.02, तो हैमर ने भी कितनी देर में हिट किया, 0.02। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, इंपल्स। इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किसका, इसमें इंपल्स किसने दिया, हैमर ने दिया। तो मास किसका, हैमर का। हैमर का मास 1 kg। हैमर की एक्सेलरेशन कितनी, जितनी नेल की, क्योंकि जो नेल की वेलोसिटी है वही हैमर की है, जो नेल की रिटार्डेशन है वही हैमर की है। तो हैमर की रिटार्डेशन भी नेल जीती है, माइनस 500, और टाइम कितना है, 0.02, आंसर इंपल्स नेगेटिव, क्योंकि नेल रिटार्ड कर रही है, एक्सेलरेट नहीं कर रही, इसलिए। क्लियर है यहां तक? ठीक, इस क्वेश्चन को पढ़े प्लीज। क्या क्वेश्चन है, कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 10 N। रिटार्डिंग फोर्स का मतलब फोर्स नेगेटिव है, मास गिवन है, तो रिटार्डिंग फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी, रिटार्डेशन। इनिशियल स्पीड 15 गिवन है, यू यानी कि 15 गिवन है, हाउ लॉन्ग डज दी बॉडी टेक्स टू स्टॉप, टाइम निकालना है। तो वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 15। रिटार्डेशन क्या है, -2.5। क्या आ जाएगा, टाइम। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो टाइम आ जाएगा यहाँ से सेम। आपको ऐसा फील नहीं हो ना, मोशन का चैप्टर ही चल पड़ा, फोर्स ऑफ फॉर्मेलिटी है टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, बाकी तो सब मोशन ही है। तो अगर आप कोई बुक स्टार्ट करेंगे, एसएल या कोई बुक, वो यहीं से स्टार्ट है। मैंने यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, मैंने कनेक्टेड मोशन स्टार्ट किया, क्योंकि वो क्या होता है, हम मोशन कर रहे होते हैं, फिर वो फोर्स इंट्रोड्यूस करता है, फिर फोर्स के साथ मोशन को इंटीग्रेट करता है ऐसे, फिर वो आगे चलता है। पर हमने, क्योंकि ये ऑलरेडी ईजी था, तो हमने कनेक्टेड मोशन वाला पहले पार्ट किया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था। बट हाँ, आपको समझ में आ रहा है कि कैसे यूज करना है। देखो नेक्स्ट,
तो क्वेश्चन है फोर्स ऑफ 0.04 न्यूटन एक्ट्स अपॉन अ बॉडी. अब पता ही लग रहा कि एक्सेलरेटिंग फोर्स है या रिटार्डिंग फोर्स है. एज अ रिजल्ट स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम 0.30 टू 0.10. स्पीड क्या हो रही है? स्लो. इसका मतलब ये कौन सी फोर्स है? रिटार्डिंग. तो फाइंड डिस्टेंस इफ द मास ऑफ द बॉडी इज 1 kg. एस निकालना है, यू पता है, वी पता है. रिटार्डिंग फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी? रिटार्डेशन. तो वी पता है, यू पता है, यू कैन अप्लाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस. ए को नेगेटिव पुट करते यू कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एस. क्लियर है यहाँ तक? एस की वैल्यू आ जाएगी इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन, कार जिसका मास है 1000 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 एक्टेड अपॉन बाय अ फॉरवर्ड फोर्स ऑफ 1000. तो फॉरवर्ड फोर्स कितनी है? 1000. एंड रिटार्डिंग फोर्स कितनी है? 500. व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड? तो पहली बात, न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलता है फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, नहीं, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. नेट फोर्स का मतलब बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स. तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स 500 न्यूटन को मास से डिवाइड किया तो क्या आएगी? एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन आ गई. तो आपको ये पता है कि फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है 10 सेकंड के बाद, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10. एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, 10 आंसर. तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक. इस क्वेश्चन को देखें, किया था हमने वो पाइप वाला क्वेश्चन. एक्सेलरेशन नेट फोर्स अपॉन मास. नेट फोर्स क्या है? बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स अपॉन मास. स्टीम ऑफ वाटर याद है, पाइप में से जब पानी निकलता है, बैलून में से गैस निकलती है, तो क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? लास्ट टाइम हमने थ्योरी में किया था कि सेम क्वेश्चन है, एक पाइप है जिसमें से वाटर निकल रहा है एट अ स्पीड ऑफ 15 meters per second, सामने दीवार को हिट करता है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है इसमें पाइप का, क्या निकालना है आपको? आपको बताना है कि कितनी फोर्स से इस वाटर ने सामने वॉल को हिट किया. तो मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि कहाँ से स्टार्ट करना होता है ये टाइप का क्वेश्चन. एफ इज डी पी बाई डी टी. पी को क्या लिखना होता है? मास इनटू वेलोसिटी. जिन क्वेश्चन में पाइप में से वाटर बाहर निकलता है, बैलून में से एयर बाहर निकलती है, ऐसे क्वेश्चन में मास कांस्टेंट नहीं होता, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है. लास्ट टाइम डिस्कस किया था. तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास निकल रहा है पर यूनिट टाइम. तो मास को क्या लिख सकते हैं? मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो न्यूमिनेटर में मास को क्या लिखा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. और टाइम की जगह टाइम. ये स्टेप क्लियर है? आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला करवाया था थ्योरी में कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड. लास्ट टाइम बताया था. अब थ्योरी अपने बुकलेट चेक कर सकते हो कि अगर पाइप में से वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड निकालना है तो एरिया इनटू वेलोसिटी को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. तो एरिया इनटू वेलोसिटी हमेशा क्या देता है आपको? वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड. क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा. आप थ्योरी की बुकलेट चेक करें, यही आंसर मैंने उस टाइम भी निकाला था. तो ये इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, पानी की वेलोसिटी पता है, डेंसिटी वाटर की गिवन हो तो ठीक है, नहीं गिवन, पानी की डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब स्टैंडर्ड है. नहीं भी गिवन तो आप पानी की डेंसिटी 1000 ही पुट करेंगे. तो 1000 आंसर. पॉइंट समझ में आ रहा है कि रूल क्या लगेगा? देखो आपको याद ही करना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा. आप ये नहीं कर सकते मैं ट्राई करके देख लेता हूं. तो आपको रिवाइज करना जरूरी है. जो लास्ट टाइम हमने जो बुकलेट किया उसको प्लीज रिवाइज करें. कितने लोगों को याद आ रहा है क्वेश्चन किया हुआ है हमने? याद आ रहा है? पाइप वाला क्वेश्चन नहीं याद आ रहा? ठीक है. नेक्स्ट, ये भी किया हुआ है हमने, एयर वाला क्वेश्चन, बैलून में से हवा बाहर निकल रहा है. आप चेक रेफर कर सकते हो बुकलेट, आप चेक कर सकते हो, अपनी बुकलेट चेक करो. वैसे टेस्ट मैंने आज रखा था, पता नहीं बच्चे कहते व्हाट्सएप पे आया नहीं, नहीं आया फोर्स. अच्छा, तो अगली बार है जितना फोर्स हमने किया उन्हीं में से क्वेश्चन दूंगा मिलते जुलते. आप प्लीज सारी फोर्स रिवाइज करके आना. अगली बार टेस्ट होगा आपका क्लास के बाद 15 मिनट्स का, ठीक है? तो आप प्लीज रिवाइज करके आना, जितने क्वेश्चन हमने किए सब रिवाइज करके आना है. क्या नहीं आया?
डीवी बाई डीटी कर लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एक ही बात है, वो तो मैंने इजी बना दिया थोड़ा, इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि वैल्यू तो सेम रिप्लेस होने वाली है। डीवी बाई डीटी करोगे तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड ही कहलाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो वो एरिया इनटू वेलोसिटी होता है। बैलून हैज़ अ मास ऑफ 10 ग्राम इन एयर, तो बैलून में एयर गिवन है, एयर एस्केप सारी हवा निकल जाती है तो बैलून ऊपर जाएगा, और हवा कितनी स्पीड से निकलती है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और बैलून कंप्लीटली 2.5 सेकेंड में श्रिंक हो जाता है। क्या निकालना है? एवरेज फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू क्या सिखाई थी? डीपी बाई डीटी। एयर जब बाहर निकलती है बैलून में से, उसके अंदर भी क्या प्रॉब्लम है? वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना मास है एयर का? 10 ग्राम। कितनी देर में खाली होता है? 2.5, तो 10/2.5 आंसर। सब कुछ सीजीएस में पुट कर रहा हूं तो आंसर डाइन में आएगा, अगर ये मीटर पर सेकेंड में होता तो ये न्यूटन में आता। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? सेम ही प्रॉब्लम है। तो अगर आप बुकलेट रिवाइज कर रहे हो, चीज़ें रिवाइज कर रहे हो, तो आप जल्दी इसको समझ पाओगे। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन नहीं किया, जिन क्वेश्चंस में पाइप में से वाटर बाहर निकलता है, जिन क्वेश्चन में बैलून में से एयर बाहर निकलती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, मास चेंज होता है, ऐसे सीखा हमने, ऐसी यही रूल लगाया था, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास चेंज होता है। किन में? पाइप में से जब वाटर बाहर निकलता है और बैलून में से जब एयर बाहर निकलती है। तीसरी इसी कैटेगरी के एक और प्रॉब्लम भी है, आपके पास एक मशीन गन है, अब मशीन गन में से गोलियां चल रही हैं, बुलेट्स चल रही हैं, तो बुलेट्स बाहर निकलती जा रही हैं, बुलेट की बाहर निकलने की वेलोसिटी कांस्टेंट है, अब बुलेट जब बाहर निकलती हैं तो गन पीछे की तरफ आती है, एक्शन रिएक्शन सबको पता है, गोलियां जितनी तेज बाहर निकलेंगी गन पीछे आएगी, मैं ये चाहता हूं कि गन हिले ना, तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स। कितनी? जितनी बुलेट्स लगा रही है गन पे उतनी फोर्स मैं लगाऊंगा तो बुलेट गन नहीं हिलेगी। तो क्वेश्चन यही है कि इस केस में एक मशीन गन बड़ी 10 किलो की मशीन गन है और 30 ग्राम की एक बुलेट है, 6 गोलियां चलती हैं एक सेकंड में, 30 ग्राम की 6 गोली चलती है एक सेकंड में, तो टोटल मास गोलियों का कितना है? 30 × 6, 180 ग्राम गोली बुलेट्स चलेंगी एक सेकंड में विद अ स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, तो 400 की स्पीड से गोली बाहर निकलती है। आपको बताना है कि आपको कितनी फोर्स लगा के रखनी है ताकि गन हिले ना। रूल वही है, पाइप में से पानी बाहर निकला, बैलून में से एयर बाहर निकली, गन में से बुलेट्स बाहर निकली, और रूल वही स्टार्ट यहीं से है, वेलोसिटी बुलेट की कांस्टेंट है, गन के अंदर से मास निकल रहा है, तो डीएम बाई डी टी कितना मास निकल रहा है पर सेकेंड यहां पुट करेंगे। पॉइंट समझ में आया यहां तक? तो तीन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जिसमें मास कॉन्स्टेंट नहीं है, मास चेंज हो रहा है टाइम के साथ, एक पानी वाला क्वेश्चन, पाइप में से जो वाटर बार निकलेगा, बैलून में से एयर बार निकलेगी और मशीन गन में से बुलेट्स बार निकलेंगी, तो ये रूल लगेगा। क्लियर है? अब मास वेलोसिटी कितनी है बुलेट की? 400। मास कितने है बुलेट का? एक बुलेट का मास कितने है? 30 ग्राम, केजी में कन्वर्ट कर लिया। कितनी बुलेट्स हैं? 6। तो 30 ग्राम को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये मास आ गया, और ये कितने समय में निकलता है? एक सेकंड पर सेकंड, तो टाइम की जगह 1। तो समझ में आ रहा है यहां तक? वेलोसिटी पुट कर लिया, मास 30 बुलेट्स का इनटू 6, टाइम की जगह 1, सॉल्व करके आंसर 72 न्यूटन की फोर्स आपको लगानी पड़ेगी ताकि गन अपनी जगह से ना हिले। क्लियर है यहां तक? अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछूं, यहां तक क्लियर है? अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछूं कि गन के ऊपर कितनी फोर्स लगी, आप क्या बोलेंगे? 72 न्यूटन। चलो मैंने इसको ठीक से ना पकड़ा ही नहीं गन को, तो गन कहाँ आएगी? अब पीछे। तो बताओ गन कितनी एक्सेलेरेशन से पीछे आएगी? तो क्या करूं? 72 डिवाइडेड बाय क्या? 10, क्योंकि किसकी एक्सेलेरेशन निकलेगी? गन की। तो गन की एक्सेलेरेशन क्या होगी? गन की फोर्स, फोर्स अपॉन गन का मास। कोई कहता था बुलेट भी तो थी गन में, वो तो निकल गई तभी तो फोर्स लगी, वो तो खाली होगी, तो खाली 10 किलो की गन रह गई, तो इसलिए 72 को किससे डिवाइड करना है? 10 से। क्लियर है यहां तक? ठीक, ओके।